ये है रेफरेंस मशीन प्लेन, इसकी वजह से ये आता है। फिर है ये है रिट्रैक्शन प्लेन कि ये यहाँ पर जब लास्ट में मशीन खड़ी होगी आके। फिर ये है सेफ्टी डिस्टेंस कि यहाँ से मशीन स्टार्ट होगी, मतलब ड्रिल स्टार्ट होने लग जाएगा यहाँ से इन फीड। फिर उसके बाद है चिप ब्रेकिंग। चिप ब्रेकिंग का मतलब होता है कि ये चिप को तोड़ेगा, हाफ जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर थोड़ा सा बाहर आएगा। चिप रिमूवल का मतलब होता है कि अगर आपको अंदर जाना है फिर पूरा बाहर आना है, फिर अंदर जाना है फिर पूरा बाहर आना है, तो इसमें चिप रिमूवल में करो। चिप रिमूवल में करने से ये वाला हट जाता है, ये वाला ऑप्शन V2 का हट जाता है। रिमूवल में देखो V2, ब्रेकिंग में V2 आ गया, और यहाँ पर अगर मैं रिमूवल करता हूँ तो V2 चले जाता है। तो आपको रखना है यहाँ पर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग में फिर ये आपने ये रखना है Z0। Z0 कहाँ से कटिंग शुरू होगी हमारे ड्रिल की, ये यहाँ पर Z0, ये जीरो ही रहेगा। फिर ये टिप कर सकते हैं आप, ठीक है। टिप का मतलब यहाँ तक ये टिप है, ये है टिप, ठीक है, ये है सैंक। अब आप देखिए Z1, Z1 का मतलब होता है कि कितना लास्ट तक ड्रिल ने होना है। तो ये हमारी -78 सपोज हमारी ड्रिल होना है जेड में, तो ये हमने -78 रख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू में। अब हम आएंगे FD1 का मतलब फीड परसेंटेज फॉर फर्स्ट इन फीड। इसका मतलब है कि हमें फीड कितनी परसेंटेज रखनी है, 100%, 90%, तो हमें 100% लेके ही चलना है। फिर आता है डी। डी का मतलब होता है कि ये जो देख रहे हैं आप ये टी फर्स्ट ड्रिल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी गहराई तक जाएगा। सपोज हमने ये ले लिया -2 पहले जाएगा फिर पीछे आएगा। फिर है उसके बाद आता है हमारा डी एफ मतलब परसेंटेज फॉर एवरी फर्दर इन फीड, मतलब जो फीड इसके बाद जो फीड होगी वो कितने में रहेगी, तो वो भी हमारी 90% या 100% रख सकते हैं। उसके बाद V1 का मतलब होता है ये लास्ट जो लास्ट ड्रिल की डेप्थ होगी, लास्ट डेप्थ वो कितनी रखनी है, तो वो लास्ट की जैसे हमने 2 mm रख दी यहाँ पर लास्ट के लिए छोड़ने के लिए। अब V2 की बात आती है, इसका मतलब होता है रिट्रैक्ट वैल्यू आफ्टर ईच मशीनिंग, मतलब वो अंदर जाएगा फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर अंदर जाएगा फिर कितना रिट्रैक्ट होगा, वो वैल्यू यहाँ पर डालनी है। और चिप रिमूविंग में ये वैल्यू नहीं डालते हैं, वो पूरा बाहर आता है, थोड़ा अंदर जाएगा पूरा बाहर आएगा बस। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट की वैल्यू आती है, इसको एक्सेप्ट करना है और ये आपकी साइकिल आ गई। तो आपको इस तरह से ये साइकिल रखनी है, आप देख सकते हैं G0 D0 X0 Z माइनस इतना T2 D2 S ये देख सकते हैं कहाँ खड़ी करनी है मशीन, ये मशीन कहाँ पर खड़ी होगी। फिर उसके बाद G01 रखेंगे, Z2 फीड में ये फीड दे देंगे, और उसके बाद ये साइकिल और मशीन बाहर निकाल दो।